शेयर बाजार में भारी गिरावट सोने को मजबूती दे रही है। अमेरिका में अनुमान से पहले ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका के बीच दुनिया भर के शेयर मार्केट पर प्रेशर बन गया है। दुनिया के देशों के बीच राजनीतिक तनाव बाजारों को और गिरा रहा है। बजट के पहले की बिकवाली भी हावी है। फेड की बैठक से ठीक पहले कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। एक ही रात में क्रूड करीब 2.5% गिरा है। ब्रेंट का भाव $86 के नीचे फिसला है। लगातार 5 दिनों से ब्रेंट लगातार फिसल रहा है। 5 दिनों में ब्रेंट 2.75% से ज्यादा गिर चुका है। WTI क्रूड $84 के नीचे आया है। MCX पर भी क्रूड 6,300 के नीचे फिसला है। LME पर जिंक, निकल और कॉपर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जिंक 2%, कॉपर करीब 2.5% गिरा है। LME पर निकल 6.75% से भी ज्यादा गिर चुका है। वहीं बेस मेटल में आई गिरावट पर नजर डालें तो फेड की बैठक से पहले बेस मेटल में गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशकों को मार्च में दरें बढ़ने की आशंका है। रूस यूक्रेन विवाद और मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ने से आपूर्ति बाधित होने की चिंताओं के चलते कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिससे मार्केट पर दबाव बढ़ सकता था। सप्लाई के जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते तेल की कीमतें चढ़ी हुई थी। ब्राजील में सीजन 2021-22 की सोयाबीन फसल की कटाई कुल संभावित बुआई के 5% पर पहुंच गई है। मौसमी परिस्थितियों में सुधार होने के कारण देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य मोटो ग्रोसो में कटाई की गति तेज होने के कारण सोयाबीन की कटाई इस स्तर पर पहुंची है। विदेशी बाजार में मंदी के बीच दिल्ली तेल तिलन बाजार में लगभग सभी तेल तिलन के भाव गिरावट दर्शाते बंद हुए। कम उपलब्धता के कारण केवल बिनौला तेल में सुधार दर्ज किया गया। सोया तेल में ऊंचे दामों पर ग्राहक की अटकने और प्लांटों द्वारा सोया तेल के दामों में आंशिक कटौती किए जाने से खुले बाजार में सोया तेल की कीमतों में मंदी रही। सोयाबीन तेल ₹5 टूटकर 1225 से ₹1230 प्रति 10 किलो रहा। दरअसल देश भर की मंडियों में सोयाबीन की आवकों में इजाफा देखने को मिला था, जिससे कीमतों में गिरावट आई। राजस्थान के अलवर जिले में प्याज का सीजन समाप्त होने को है। वहीं प्याज में लगे जलेबी रोग ने किसानों की करीब 50 करोड़ की फसल को नुकसान किया है। इसमें नकली बीज के फसल का बुआई होना भी मुख्य कारण माना जा रहा है। अलवर जिले की लाल प्याज देश भर में मशहूर है। यहां से हर साल देश के विभिन्न राज्यों सहित विदेशों तक लाल प्याज की सप्लाई हो जाती है। कोरोना की तीसरी लहर में बीमारियों से लड़ने में मदद करने वाले औषधीय पौधों की मांग बढ़ गई है। इसकी वजह से नर्सरियों में ऐसे पौधों का टोटा शुरू हो गया है। लोग ज्यादा पैसे देकर इन्हें बाहर से अब मंगवा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान अलग अलग औषधीय पौधे घर में लगाने के ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इन पौधों की डिमांड भी बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च की नई फसल की आवक का काफी हद तक दबाव बनने लगा है। पुरानी फसल की आवक काफी कम मात्रा में हो रही है। इसके बाद भी गुंटूर मंडी में लाल मिर्च की करीब 80,000 से 85,000 बोरियों की आवक होने तथा चुनिंदा किस्मों में तेजी आने की सूचना मिली है। आने वाला सप्ताह लाल मिर्च की संभावित तेजी या मंदी के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।